प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। मैम देखिए, नशे को लेकर के मैम साइकोलॉजिकल जो है आजकल क्या समस्याएं हैं जिसको खासकर पेरेंट्स और बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, कितनी घातक होता है जो लोग आसानी से आर्यन खान को अगर ले लिया जाए, चर्चित मामला है इस वक्त का, तो आप लोग कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? जी बिल्कुल, आज जैसे आर्यन खान रिहा हुए जेल से और ये पूरे देश में एक मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप है और इतने सारे समय हफ्ते तक इसके बारे में बातचीत चलती रही, तो मैं एक मनोचिकित्सक होने के नाते मैं इसको काफ़ी पॉजिटिव तरीके से इसलिए देखती हूँ क्योंकि इसके द्वारा लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि किस तरह युवाओं में नशे के लत के शिकार युवा हमारे हो रहे हैं और ये कैसे माँ बाप जो हैं या अभिभावक जो हैं समय रहते पहचाने समझे जाने। बहुत ज़रूरी है नशे की लत से हम अपने युवा को जो कल के भविष्य हैं देश के उनको बचाएं नशे से, और क्योंकि ये इतना घातक होता है कि वो मस्तिष्क में ये रासायनिक तब्दील करता है और मस्तिष्क के जितने क्रियाएं होते हैं सोच समझ निर्णय लेना ये सारी चीज़ें जो हैं याददाश्त इन सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा असंतुलन भी नशे से पैदा होता है कि कई बार लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि नशे की लत वही बच्चे या वही वयस्क कर पाते हैं जो ऑलरेडी कोई मानसिक परेशानी से ग्रसित हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हो उनको। ये तो माता पिता को जागरूक होना चाहिए कि अगर बच्चों में कोई भी वो लक्षण देख रहे हैं जिसमें वो देख रहे हैं कि बच्चों में व्यवहारिक परिवर्तन आ रहा है, बच्चा कटा कटा सा रह रहा है, कम बोल रहा है या बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन कर रहा है या बच्चा बहुत अधिक समय जो है अकेला बिता रहा है, बाथरूम में ज़्यादा वक्त लगा रहा है या अपने आप को बंद रखता है कमरे में या देर रात तक घर से बाहर रहता है, तो ये सारे लक्षण जो हैं जिसको हम लोग आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं उसको कतई नज़रअंदाज ना करें क्योंकि व्यवहार में परिवर्तन दिखना एक बहुत बड़ा संकेत है कि कोई ना कोई मानसिक परेशानी शुरुआत हो रही है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि नशे के शिकार भी हमारे बच्चे या युवा हो। मुख्य रूप से मैम देखा जाए तो आप लोगों के काफ़ी चीज़ें आप लोग डिटेक्ट करते होंगे, तो मुख्य रूप से क्या समस्याएँ आती हैं जो लोग नशा करते हैं? जी बिल्कुल, अलग अलग तरह के नशे होते हैं, जैसे जो अल्कोहल लेते हैं उनके ऊपर अलग तरह की परेशानी देखने में आती है, जैसे शुरुआत में तो उन लोगों को जो नशा करते हैं अल्कोहल से वो खुश रहते हैं तो उनमें जोश आता है, लेकिन जब लगातार वो महीने दर महीने सालों तक करते हैं तो धीरे धीरे उनमें डिप्रेशन की समस्या आने लगती है, वो कामकाज पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जो अलग साइकोट्रॉपिक्स में नशा करते हैं चाहे वो भांग चरस गांजा हो चाहे ओपियॉइड्स हो, तो वो धीरे धीरे इंसान के सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करने लगता है और उसमें मानसिक परेशानी की भी शुरुआत होती है, जैसे उसका व्यवहार उसके कंट्रोल में नहीं रहता है तो या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोध गुस्सा चिड़चिड़ापन करेगा या वो बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कटा सा कर लेगा और उसकी प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो ख़त्म होने लगती है, यानी वो किसी काम को करने के काबिल नहीं बचता है। तो इसलिए किसी भी तरह का जो नशा होता है वो नुकसानदेह होता है, मस्तिष्क को और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए नशे से बचाव जो है वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं यही समझती हूँ कि आर्यन खान के इस इंसिडेंट्स से लोगों में जागरूकता निश्चित रूप से फैलेगी और माता तो पिता इस तरह की कार्रवाई जो आर्यन के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है सरकार को आगे भी जो नशा है तमाम जो गिरोह हैं इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहना चाहिए देश के भविष्य के लिए। जी निश्चित रूप से, जिस तरह से नशा बहुत आसानी से उपलब्ध है बच्चों को लोगों को, इस पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और लाइसेंस्ड जगह होनी चाहिए जहाँ से आईडी प्रूफ्स देके ही आप ले सको, इस तरह का कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जैसे बाहर के देशों में हो रही है, तो एटलीस्ट ट्रैक तो रखा जाए कि कौन कर रहा है और कितनी तादाद में कर रहा है। अभी वो अनलाइसेंस्ड है तो मतलब कौन ड्रग पेडलर्स है, ड्रग कार्टल्स है, कुछ भी पता नहीं चलता है, तो जब ये लाइसेंस्ड होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जानकारी जो है सरकार के पास रहेगी और वो किसी को भी नशे की लत
कभी कभार नशा करना एक अलग चीज़ होती है और नशे के लत का शिकार होना एक अलग चीज़ होता है जिसका बचाव बहुत ज़रूरी है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।